वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद साइड में दिया हुआ बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। टोयोटा की इंडिया में सिर्फ एक ही एसयूवी है और वो भी फॉर्च्यूनर, जो कि करीब 35 लाख की आती है और इंडिया में सबके बजट में फिट नहीं बैठती। और इसके अलावा टोयोटा की कोई और एसयूवी नहीं है एक ऐसी मार्केट के लिए जहां पर एसयूवीज धूम मचा रही हैं और ऐसे धनाधन बिक रही हैं जैसे मुफ्त में मिल रही हों। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एसयूवीज की मार्केट में कुछ शेयर हासिल करने के लिए अब टोयोटा अपनी प्रीमियम 5 सीटर एसयूवी को इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और आज इस अपकमिंग एसयूवी से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी रिसेंटली ही टोयोटा की मिड साइज एसयूवी CHR को बेंगलुरु में स्पाइड किया गया था और ये एसयूवी फुली कैमोफ्लाज थी। इसका मतलब है कि टोयोटा इसकी रोड टेस्टिंग कर रही है। इससे पहले भी इस एसयूवी को इंडिया में स्पाइड किया जा चुका है लेकिन उस वक्त ये कैमोफ्लाज नहीं थी। ये एसयूवी टोयोटा की TNGA मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है जो इस एसयूवी को काफ़ी एक्सपेंसिव बना सकता है। लेकिन इंडिया जैसी मार्केट्स के लिए टोयोटा मारुति की अपकमिंग ह्यूंडई क्रेटा राइवल को ही रीबैच करेगी, इंडिया में बेच सकेगी और CHR को CKDE रूट से इंडिया में लॉन्च करेगी, जिससे ये एसयूवी के प्राइसेस काफ़ी महंगे हो जाएंगे और टोयोटा इसको अपनी लाइनअप में कैमरे के नीचे पोजीशन कर सकती है। वैसे ही इसकी प्रमोशंस भी होंगी एज अ प्रीमियम मिड साइज क्रॉसओवर एसयूवी। इंटरनेशनल मार्केट्स में CHR काफ़ी सारे इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, इंक्लूडिंग 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन और 2 लीटर हाइब्रिड डायनेमिक फोर्स सिस्टम इंजन। 2 लीटर वाला इंजन एक रीडिजाइन ट्रांजेक्शन और 2 इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर्स में मिलते हैं और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है। 2020 CHR की स्टाइलिंग की बात करूँ तो ये काफ़ी स्टाइलिश और शार्प लुक्स के साथ आती है। इसमें कुछ नए एलिमेंट्स भी ऐड किए गए हैं जैसे कि फुल LED हेडलैम्प, अडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग सिस्टम, ब्लैक पेंट रूफ और ब्लैक इंटीरियर्स विद ब्लू हाईलाइट्स और एक नई 8 इंच की टच स्क्रीन विद एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ। इसमें आपको निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी मिलती है जिससे 180 सेल्स हैं और जो करीब 216 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉ करते हैं और ये बैटरी पैक्स रियर सीट्स के नीचे बिछे हुए हैं। ये जो बैटरी सिस्टम है वो हालांकि मेरे को लगता है 2 लीटर वाले हाइब्रिड डायनेमिक फोर्स सिस्टम इंजन का ही पार्ट है। तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जितनी मैं अभी तक इकट्ठी कर पाया हूँ और जो इंडिया स्पेक मॉडल से जुड़ी हो सकती है। तो आपको आज की ये एक्सक्लूसिव वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।